सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोयम द वॉइस ऑफ द रेन. ठीक है, अगर तुम लोग इस पोयम को देखोगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना, ओके. अगर तुम लोग इस पोयम को देखोगे तो बहुत छुटकी सा पोयम है ना, बहुत छोटी सा पोयम है, इतना सा पोयम है, खाली इतना सा पोयम है, इसको एक्सप्लेन करना फिर छोटी छोटा सा पोयम है. ठीक है, लेकिन रेन के ऊपर पोयम है ना. लेकिन तुमको पता है ना, जो छोटा पोयम होता है उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है ना. तो जब भी मैं ये पोयम गाता हूँ ना, तो मुझे गाना गाने का बहुत मन करता है. तो आज मैं गाना गाऊंगा, आप लोग सब गाना गाएंगे मेरे साथ? यस सर. पक्का? थोड़ा रिदम विदम हो जाए, थोड़ा तो गाना है ना. तो मैं अंतरा से स्टार्ट करता हूँ. अगर अंतरा से गाना गाना चालू करता हूँ, उसका एक, एक, एक गाना है, उसका अंतरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आप लोग सबको भी वो अंतरा अच्छा लगेगा. उसके बाद आप लोग ना मेन, जब हम लोग मेन मुखड़ा में आएंगे तो आप लोग सब ज्वाइन करना. ठीक है, हम लोग सब मिलकर गाएंगे. ठीक है, मैं अंतरा से स्टार्ट करता हूँ. ओके. रिश्ता दिल के दिल से एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का. ये लाइन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार. Everybody, जीना किसी का नाम है. क्या था? किसी की मुस्कुराहट पे हो जिता, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते होते दिल में प्यार. जीना किसी का नाम है. चलो अंतरा फिर से गाता हूँ मैं. क्या? रिश्ता दिल के दिल से एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार. जीना किसी का नाम है. अब तुम लोग सोचेगा कि सर ये न्यू पोएम के क्लास में गाना क्यों सिखा रहे हैं, है कि नहीं? तो इस पोएम के लिए मैं ये गाना इसके लिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो जो लाइन है ना बेटो, कि मर के भी किसी को याद आएंगे. तो जानता है मेरा 700 वीडियोस जो है वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया आज. टुडे वी हैव कंप्लीटेड 700 वीडियोस. तो इसका मतलब क्या है कि मयंक सर मर के भी किसी को याद आएंगे, है ना, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, है कि नहीं? तो मेरा ये जितना भी वीडियोस है, हम रहे या ना रहे, है ना, ये वीडियोस तो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, रहेंगे, रहेगा, है ना. तो आने वाली जितनी जनरेशन हैं, वो लोग को भी ये वीडियो हेल्प करेगा, राइट. तो yes. मैं तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि ये जो पोयम मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, द वॉइस ऑफ द रेन, और ये जो भाई साहब है ना, जो राइटर है इस पोयम के, वॉल्ट विटमैन, ये बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, समझ में आया? और ही इज कंसिडर्ड एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, समझ में आ रहा है? तो ये जो तुम लोग को लग रहा है ना छोटा सा पोयम, ये एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा मैसेज दे रहा है इस पोयम के अंदर में, समझ में आ रहा बात को? देयर इज अ मैसेज. और मैसेज क्या है इस पोयम के अंदर में, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, समझ आ रहा है? ये मैसेज दे रहे हैं ये पोएट कि हम लोग ने जो गाने लिखे हैं, हम लोग ने जो पोयम लिखे हैं, वो वापस इस हम उस दुनिया को दे रहे हैं ना. तुम देखिएगा कितने सारे गाने हैं, खास करके हिंदी गाने, जो पुराने गाने हैं, अगर हम लोग उसको सुनेंगे तो कितना मोटिवेटिंग गाने हैं ना सारे के सारे. माने पता है तुमको, अभी तो तुम लोग छोटे हो, जब तुम लोग बड़े होंगे और तुम लोग को तकलीफ आएगी, और जब तुम्हारे लाइफ में थोड़ा, भगवान ना करे, पर थोड़ा सा सौरव आएगा, थोड़ा सा माने चैलेंजेस आएंगे, तो तुमको हिंदी पिक्चर के गाने अच्छे लगेंगे. ठीक है, क्योंकि सारे गाने हैं इतने मीनिंगफुल होते हैं. अब तुम इमेजिन करो उस पोएट ने जिसने ये गाना लिखा होगा, जैसे आज ये जो गाना है ये राज कपूर ने गाया, ठीक है, और मुकेश ने, शायद श्री मुकेश जी ने इसको गाना गाया है. लेकिन आज ये मेरे ऊपर बहुत सेट हो रहा है ना, जब मैं आज मैं तुमको सीरियसली बोलता हूँ, आज मैंने 700 वीडियोज अपलोड किए ना, तो कहीं ना कहीं मेरे ये फीलिंग आई कि हम रहे या ना रहे, है ना, हमारे वीडियोस तो रहेंगे, है ना. तो किसी ना किसी को हम लोग हमेशा हेल्प करते
रहेंगे, राइट या रॉन्ग? यस। तो वॉल्ट विटमैन भी अपनी इस पोएम में ये बता रहे हैं कि हमारी जो पोएट्री है, हमारा जो मॉरल है, हम जो लोगों को बताना चाहते हैं वो इस दुनिया में ही रहेगा और वो हमारे पास वापस भी आता है, ठीक है। लेकिन बिकॉज वो पोएट है, कोई बात सीधी तो बोलेंगे नहीं, बात घुमा के बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बात घुमाने के लिए यूज किया है रेन को, ठीक है। उन्होंने रेन का एग्जाम्पल लेके अपनी बात कही है। तो देखो क्लासिक, क्लासिक देखो कितना होशियार आदमी है, अपनी एक बात बोलने के लिए उसने रेन को पूरा का पूरा एज अ मेटाफर यूज किया है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो वॉल्ट विटमैन है एकदम खड़े हैं अपने विंडो के बाहर, विंडो के पास में, और बाहर बारिश हो रही, ठीक है। और वो बारिश से पूछते हैं, रेन से पूछ रहे हैं, वो कौन पूछ रहा है, वॉल्ट विटमैन रेन से पूछ रहे हैं, एंड हु आर थाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, माने बारिश को पूछ रहे भाई तुम कौन हो, ठीक है। पोएट है, कुछ भी कर सकता है। और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात क्या मालूम है कि बारिश इसको आंसर भी कर रही है, क्या समझा, बारिश इसको रिटर्न में आंसर भी कर रही है। तो पोएट क्या बोल रहा है, विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, माने बारिश से पूछ रहे हैं हु आर थाउ, तुम कौन हो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, और उसने मुझे आंसर भी दिया। एंड हियर ट्रांसलेटेड, और उसका जो बारिश का आंसर है ना, वो तो टप 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 करके बोल रही थी, लेकिन मेरे को उसकी भाषा समझ में आ रही थी, तो मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वरना पोएट को ही पता भाई, हमें क्या पता क्या बोल रही थी बारिश, लेकिन ट्रांसलेशन है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो पोएट ने ट्रांसलेट किया है, पोएट उसको बारिश क्या बोल रही है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं कौन हूँ, बारिश क्या बोल रही है, रेन क्या बोल रही है, मैं इस अर्थ की एक पोएम हूँ, सेट द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। अब रेन क्या बोल रही है, अपनी अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बता रही है, रेन रेन बता रही है कि वो रेन कैसे बनी। तो उसने अपना लाइफ का हिस्ट्री बताना चालू किया, क्या बोला, इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। अब तुमको पता है बारिश कैसे बनती है, पहले हमारे यहां नदियां होती हैं, समुद्र होते हैं, सी होते हैं, गर्मी पड़ती है, उसका पानी इवेपोरेट होता है, राइट, ऐसे ही तो बनता है, पानी इवेपोरेट होता है। तो वो क्या बोल रही है, इटर्नल आई राइज, माने हमेशा से मैं ऊपर उठती हूं, इनपैल्पेबल मतलब होता है इनटेंजिबल अनसीन, जब पानी इवेपोरेट होता है तो किसी को दिखता थोड़ी है, ठीक है। तो बोला जब मैं धरती से ऊपर, जब एन आई चेंज माई फॉर्म फ्रॉम लिक्विड आई बिकम वेपर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम इनटेंजिबल, आई एम अनसीन, नोबडी कैन सी मी, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और मैं कहां से निकलती हूँ, लैंड से मैं निकलती हूँ, और समुंदर जैसे तुमको पता है जो हम लोग के मानसून होता है वो, उसका जो बारिश होता है वो हम लोग का ज्यादा करके सी का पानी ही इवेपोरेट होता है ना, क्योंकि उतना ज्यादा पानी चाहिए ना मानसून के लिए। तो बॉटमलेस सी, बॉटमलेस का मतलब क्या हो गया, यहां पर बता रहा है इंफिनिटी ऑफ सी, वास्ट सी जिसका कोई एंड नहीं है। और मैं कहां जाती हूं, आई गो अपवर्ड टू हेवन, अब मैं ऊपर जा रही हूं आसमान में, ठीक है। तो फ्रॉम लिक्विड आई बिकम गैस, ठीक है, और गैस बनके बेंस वेगली फॉर्म्ड, वेगली फॉर्म्ड मतलब मैं एक अलग तरह का आकार ले लेती हूं, विच आर क्लाउड्स, ठीक है। तो मेरा वो जो स्टीम है, वो जो गैस है, इट चेंजेस इनटू अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप विच बेसिकली आर क्लाउड्स, ठीक है, आई बिकम क्लाउड, ओके, वेगली फॉर्म्ड, ऑल टूगेदर चेंज्ड, अब मैं पूरी की पूरी चेंज हो जाती एंड येट द सेम, ठीक है। तुमको पता है फिजिकल है ना, फिजिकल चेंज पता है ना, इट इज चेंज फ्रॉम वन प्रॉपर्टी वन मैटर टू अनदर, लेकिन रहता तो फिजिकली सेम ही है। तो बादल बोल लो या पानी बोल लो, वो तो है वॉटर ही ना, वॉटर का एक फॉर्म है। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा है, पोएम क्या बोल रही है कि जब मैं इवेपोरेट होती हूँ, मैं ऊपर जाके वेगली फॉर्म्ड हो जाती हूँ, और मैं पूरी की पूरी चेंज हो जाती हूँ, ऑल टूगेदर चेंज एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं सेम ही रहती हूँ, ठीक है। फिर मैं जब ऊपर बादल बनती हूँ, अब तुम एक बात समझो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहां सपोज कर लो एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर पानी है, ठीक है। मान लो यहां पर एक बहुत बड़ा सी है, उसके अंदर भी पानी है, लेकिन ये रिवर और ये सी का जो पानी है ये अर्थ के हर जगह नहीं पहुंच सकता है ना। रिवर भी एक तो बाउंड्री के अंदर बहती है, ओशन के भी लिमिट से वहां बहता है, लेकिन जब ये बारिश बन जाता है
तब ये बन जाता है क्लाउड, है ना, डार्क क्लाउड, निम्बस क्लाउड। और ये निम्बस क्लाउड बनकर ये पानी जो रिवर का पानी है, ओशन का पानी है, ये पूरी दुनिया के ऊपर गिरता है, राइट। कितना इंटरेस्टिंग थॉट है ना। वो जो पानी हमारे पास फिर भी आ रहा है, है ना, बहुत सारे लोग रिवर के पास नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग ओशन के पास नहीं जा सकते, तो ओशन अपना फॉर्म चेंज करके हमारे पास दोबारा आ रहा है, ठीक है। और क्यों आ रहा है, और ये बादल हमारे पास क्यों आ रहे हैं, तो वो बादल बोल रहा है कि फिर आई डिसेंड, डिसेंड माने मैं बादल बन के फिर मैं नीचे आती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ रेन। क्यों आती हूँ, टू वॉश, टू बेथ, टू रिप्लेनिश, है ना। वो जो पानी है वो क्या करता है, वो हम लोग को निलाता है, हम लोग को साफ करता है, हम लोग जो रेप्लेनिश करता है, हम लोग को वापस से हमारा पानी का स्टॉक भरता है। टू लेव द ड्राउट, यहाँ पे ड्राउट में जी होना चाहिए पर ये ड्राउट ही बोला हुआ है, ठीक है। सूखा को मैं रेप्लेनिश करती हूँ, ठीक है। एटमिस, एटमिस का मतलब क्या, छोटे छोटे कण कण, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको मैं रेप्लेनिश करती हूँ। और ग्लोब में जो डस्ट लेयर होता है ना, माने तुम देखता है धूल मिट्टी ये सब होता है, उस सबको मैं पानी से बैठा देती हूँ। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बोल रहा है कि मैं सबके काम में आती हूँ, ठीक है। और ये लाइन तो बहुत ही अच्छा है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वे सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। तो बोल रहा है अगर बारिश नहीं होगा, तुमको पता है वो जो होता है ना हम लोग का वीट गेहूं, तुमको पता है गेहूं जो होता है, अपन को लगता है ना गेहूं डेड है, अपन को लगता है ना गेहूं डेड है, लेकिन अगर हम गेहूं को वापस से अगर हम पॉट में रख दें, है ना, हम उसका टॉक बोलते हैं ना अपन, फ्लावर वेस में रख दें, माने क्या बोलते हैं अपन उसको, गमला में रख दें, तो वापस से उसमें से लाइफ आ जाता है ना, राइट या रॉन्ग, हाँ या ना। वो जो गेहूं है अपने लिए तो डेड है ना, लेकिन अगर हम उसको जब गमला में डालते हैं तो उसके अंदर से तो निकल जाता है ना, इसका मतलब वो जिंदा है, राइट। तो बारिश क्या बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं जो लेटेंट है, लेटेंट का मतलब हिडन, दे आर अनबॉर्न, ठीक है, उन लोग को मैं पैदा करती हूँ। तो तुम देख लो हमारे खेत में अगर बारिश नहीं होगी तो वो जो सीड्स है वो किसी काम की नहीं। अगर हम राइस को वापस से खेतों में डालेंगे, बारिश का पानी देंगे या पानी देंगे, तो वापस से उसके अंदर से लाइफ आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर बारिश नहीं आया तो ये दुनिया पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर सब कुछ लेटेंट है, सब कुछ हिडन है, ठीक है, सब कुछ अनबॉर्न है, उसको बारिश बॉर्न करती है, ठीक है। एंड फॉर एवर, और ये आज से नहीं मैं कर रही हूं, हमेशा से कर रही हूं, बाय डे एंड नाइट, चाहे दिन हो या रात हो, आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। मैंने जिसको पैदा किया वो वीट को भी मैंने ही पैदा किया, आप उसको फिर से डालोगे खेत में वो फिर से पैदा होगा, उसको मैं फिर से पैदा कर रही हूं ना। तो आई एम गिविंग लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, है ना। आज तुम देखो, अगर तुम देखेगा ट्रीज को देखो ना, ट्रीज को तुम देखेगा दिसंबर में, ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, सारा का सारा उनका जो वो लीव्स होता है सब शेड हो जाता है ना, विंटर्स में सारे लीव शेड हो जाते हैं, ठीक है, एकदम माने कैसा होता है, ट्रीज एकदम खराब लगने लगता है ना, एकदम एकदम घोस जैसा दिखने लगता है। फिर से बारिश होती है, अगेन ग्रीनरी आ जाता है ना, हम लोग के यहाँ पूरा ग्रीनरी खत्म हो जाएगा, फिर ग्रीनरी आ जाएगा, ठीक है। तो इस दुनिया को ब्यूटीफाई कौन कर रहा है, रेन कर रहा है ना, वॉइस ऑफ द रेन। तो रेन बोल रही है मैं हूं करता, ठीक है, मैं देती हूँ तुम लोग को जान, सब कुछ मैं देती हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा बात को। तो तुम लोग क्या इस बात को मानते हो कि ये रेन बहुत, खैर सभी मानते हैं रेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, रेन अगर नहीं होगा तो हम सब क्या हो जाएंगे, हम सब हो जाएंगे लेटेंट, हम सब क्या हो जाएंगे अनबॉर्न, हम सब क्या हो जाएंगे डेड, ठीक है। लेकिन तुमको लगता है कि जो वॉल्ट विटमैन है वो इतनी आसानी से जाने देंगे, इतना बोलने के बाद वो असली बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। तो हम लोग भी जो जिंदा है ना बेटा, इसमें बहुत बड़ा हाथ है राइटर्स का, है ना, इसमें बहुत बड़ा बात है पोएट्स का, क्योंकि अगर पोएट्स नहीं होंगे ना, अगर राइटर्स नहीं होंगे तो इस जीवन का एसेंस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो राइटर यहाँ पे वॉल्ट विटमैन क्या बोल रहे हैं कि हमारे अंदर भी जो पोएट्री होती है ना, वो जो सॉन्ग होती है वो हमारे अंदर से निकलती है, हमारी आत्मा उसका बर्थ प्लेस है, ठीक है। और उसके बाद जब हम गाना को लिख देते हैं वो पूरी दुनिया में लोग गुनगुनाते हैं, है ना। अब ये जो गाना आज हमको गा रहे हैं किसी ने तो लिखा होगा, है ना, और हम जब इस गाना को गा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस आदमी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना, हम उन सिंगर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है।
और ये गाना देखो उस सेंचुरी का गाना इस सेंचुरी के लोग भी सुन रहे हैं, ठीक है, और गुनगुना रहे हैं। और अभी तुम लोग को शायद हो सकता है नहीं समझ में आएगा, पर एक टाइम आएगा जब तुमको ये गाना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। तो पोएट बोल रहा है इट कैन बी रिकग्नाइज और इट कैन बी नॉन रिकग्नाइज, लेकिन वो गाना वापस मेरे पास आ जाता है उसी बारिश की तरह। जैसे अब पोएट क्या है, पोएट ने एक गाना उसके मन में थॉट आया, उसने उस थॉट को लिख दिया, लिखने के बाद उसने वो गाने को वर्ल्ड को दिया, जब वर्ल्ड को अच्छा लगा वो गाना तो वर्ल्ड ने उसको सुना, गुनगुनाया, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया। जो लोग डिसअपॉइंटेड थे, जो लोग क्या नाम है थोड़े डेस्परेट थे, उस गाने से मोटिवेशन लिया और फिर उन्होंने उस पोएट की तारीफ की, बोले सर आपका गाना इतना लेजेंडरी था, आपके सुन के हम मोटिवेट हो गए। कोई कोई उस गाने को रिकग्नाइज करता भी है, कोई रिकग्नाइज नहीं भी करता है, लेकिन पब्लिक का प्यार वापस पोएट के पास आ जाता है, ठीक है। जैसे रेन है, रेन क्या करती है, चुपचाप से निकलती है धरती से, आसमान में जाती है, बरसती है, लोगों को खुश करती है, बहुत सारे लोग को थैंक यू भी नहीं बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं बारिश फालतू होता है, बारिश क्यों आता है, लेकिन बारिश अपना काम करता है ना, कोई इसको रिकग्नाइज करे या नहीं करे, वो दुनिया को एक अच्छा दुनिया बनाने में लगी हुई है। सिमिलरली जो पोएट्स हैं वो लोग अपना गाना, अपने थॉट्स, अपना म्यूजिक, अपना पोयम निकालते हैं और पब्लिक के सामने रखते हैं। बहुत सारी पब्लिक उनको इंस्पिरेशन लेती है, बहुत सारी पब्लिक को वो इंस्पिरेशन नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी पोएट को वो जो इंस्पिरेशन लेते हैं वो पोएट को प्यार करते हैं, वो उनको थैंक यू बोलते हैं और पोएट के पास वो लव वापस आ जाता है, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे क्या बोलता है, आई डू माई जॉब एंड कम बैक, मेरा काम है लोगों को गाना सुनाना, मोटिवेट करना, इंस्पिरेशन देना, मैंने दिया और मैं वापस आ गया। समझ में आ रहा बात को? तो क्या मैसेज पास किया भाई साहब ने, देख रहे हैं? तो पोएट क्या बोल रहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, है ना, याद आएंगे वो पल, है ना, वो क्या था केके का गाना था ना, याद आएंगे वो पल, है ना। आज केके नहीं हमारे सामने, मान सिंगर थे वो, उनके गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके वो वर्ड्स, उनका गाना हम लोग को याद आता रहता है। सर माया पोयम, मजा आया? यस सर। थोड़ा रीड करो यहाँ से, एनालिसिस। Similar to most of Whitman's poems, the verse of the rain does not follow any specific form, rhyme scheme, or meter. It is written in free verse. It is made up of one stanza with nine distinct lines, but some of the lines are so long that they bleed into the next. The first two lines contain the speaker's question to the rain, and who art thou? The rain's response makes up the remaining six lines. Whitman places the final line in parentheses in order to separate the speaker's words from the reins. यहाँ पर बोल रहा है ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ तुम देखोगे, जब तुम अपने पोयम में देखोगे तो यहाँ पर देखो इन्होंने ये जो लाइन है ना ये ब्रैकेट में रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ब्रैकेट में क्यों रखा है इन्होंने, जानबूझ के रखा है, क्योंकि ये रेन नहीं बोल रही है, ये एक्चुअली पोएट बोल रहा है। तो लोग रेन की और पोएट की बात पे कंपेयर मैंने कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसी के लिए इन्होंने बीच में एक पैरेंथेसिस जाते ब्रैकेट उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। समझ में आ गया बात को? तो उन्होंने उसको डिस्टिंग कर दिया वहां से। चलो यहां से, यहां एट द एंड ऑफ द पोयम, एट द एंड ऑफ द पोयम द स्पीकर कंपेयर्स पोएट्री टू द रेन, इक्वेटिंग आर्ट विद अर्थ्स मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। हियर विटमैन रिवील्स द हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस ही पुट्स ऑन हिज पोएम्स and poetry in general. Whitman treats his poems like his children. He puts all of his emotional energy into his work and then releases his poem into the world like water evaporating into the air. Now you should understand this. बहुत सारे poet जब poetry लिखते हैं ना तो वो उनके part of life होता है ना। हम लोग उसको देखो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा problem क्या है ना, हम लोग poetry का importance समझते ही नहीं है। हम लोग बच्चों लोग को पोएट्री ऐसा पढ़ाते हैं ऐसे टाइम पास चल रहा है ना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, लेकिन पोएट्री के अंदर जानता है पूरा जीवन है, isn't it? It's a form of art. अगर आप वो आर्ट को रिवील नहीं कर सकते पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो राइटर है ना वो आपको इतना बड़ा मॉरल साइंस दे रहा है, तुमको विश्वास, अभी थोड़ा तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाएगा तो तुमको पता लगेगा द पावर ऑफ पोएट्री। तुम लगता है जितने भी बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं ना लाइफ में, जितने भी बड़े से बड़े रिबेल्स हुए हैं ना,
सारा पोयम पढ़ के ही हुआ है, पता तुमको। जैसे हमारा एक तो गाना है ना क्या, अपनी आजादी को हम हर गिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब ये जो लाइन है ना, तुम सोचो हम फ्रीडम फाइटर फाइट के लिए जा रहे हैं और कोई हमको बोले सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो कितना अंदर गूज बम्प्स आ जाता है ना, आदमी का पूरा एकदम लड़ने के लिए वो आ जाता है, उसका मेंटालिटी ऐसा ही हो जाता है कि नहीं। जब पूरा हिंदुस्तान एक संग बोलता है ना, क्या बोलता है, भारत माता की जय, तो क्या होता है हम लोग के अंदर, है ना। जब हम लोग बोलते हैं ना वंदे मातरम, तो क्या होता है हमारे अंदर जोश आता है। तो ये किसी ना किसी ने तो लिखा ही है ना, ये किसी ना किसी ने तो लिखा ही है ना, इजंट इट, है ना। और वो जो आईसीएसई का पोएम नहीं है, सरोजिनी नायडू लिखे है, केज बर्ड, केज बर्ड सरोजिनी नायडू ने लिखे है, वो माया एंजेलो का पोएम। हाँ हाँ वही, हाँ केज बर्ड जो है वो माया एंजेलो का पोएम है। सरोजिनी नायडू का बहुत सारा पोएट है, जैसे बैंगल सेलर है उनका, और अगर तुम लोग का भी 11th आईएससी का एक पोएम है, क्या नाम है, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द गिफ्ट ऑफ इंडिया पोएम तुम उनका पढ़ोगी, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद भी उनका पोएम, द गिफ्ट ऑफ इंडिया तुम पढ़ोगी खून खोल जाएगा, खास करके जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मेरा अपलोडेड है ऑलरेडी आईएससी के वीडियोज में, देखेगा द गिफ्ट ऑफ इंडिया पोएम है वो, तुम लोग पढ़ना मजा आ जाएगा तुमको। खैर यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो विटमैन जो है वो भी अपना वो ये बताना चाहते हैं कि मेरी जितनी भी पोएट्री है ना वो लोगों के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, ठीक है। और मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है अपनी पोएट्री से, मेरा पोएट्री कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ के फेंक दो, ठीक है। मेरा पोएट्री आपको इंस्पायर करता है, मेरा पोएट्री इज लाइक अ रेन, अंडरस्टूड, जैसे रेन बार बार आके आपको नर्चर करती है, वैसे मेरा पोएट्री आपको और आके नर्चर करता है, ठीक है। चलो यहाँ से रीड करेंगे, ईच रीडर देन has a different relationship with Whitman's words, which changes the effect of the poem while maintaining its spirit. Then the reader's rain praise, criticism, love and hate back down onto Whitman. जैसे उन्होंने देखो rain का यहाँ पर कितना अच्छा use किया है, हम बोलते हैं ना it's raining money, अपन बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, it's raining money का मतलब होता है। ओह अच्छा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो rain को कैसे use किया उन्होंने, हाँ, तो यहाँ पे पीटर वो जो है विटमैन बोल रहे हैं, इट माने अगर हमारी पोयम हिट हो जाएगी तो इट विल रेन प्रेजेस, है ना, या इट विल रेन क्रिटिसिज्म, या इट विल रेन लव, या इट विल रेन हेट। अरे ग्रेटनेस देखो, आदमी का ग्रेटनेस देखो, लोग तो उसको समझ भी नहीं पाएंगे क्या बोल रहा है ना, माने रेन को क्यों यूज किया हुआ, बिकॉज इट्स गोइंग टू रेन लव, इट्स गोइंग टू रेन आइदर क्रिटिसिज्म, बट इट विल कम बैक टू मी, है ना। वेदर क्या बोला उन्होंने यहाँ पर, क्या बोला उन्होंने, वेदर Recognize or unrecognized, but it will come back to me. Whether you love it or you hate it, it will come back to me, isn't it? Great आदमी है। इसी के लिए मैं इनका poem समझाने के लिए तुमको बता रहा हूँ। इसको ऐसे ही father नहीं बोला जाता। Understood? लोग समझा ही नहीं पाते इनका poem। क्या deep thought है? तो rain को क्यों use किया? कुछ भी use कर सकते थे ना। Rain के जगह तो बहुत सारी चीजें। क्यों? Because it will rain praises or it will rain criticism. Understood? चलो यहाँ से। After that, the poem occupies a different role in the poet's life. Whitman's comparison between poems and rain is demonstrative of his transcendental beliefs. Rather than associate his poetry with something modern and man-made, he instead chooses to associate it with the eternal cycles of the natural world. हाँ, तो जैसे rain एक तो natural world का cycle है, it's going to happen again and again. वैसे ही poets भी आएंगे और वो लोग आपको हर वक्त इंस्पायर करते रहेंगे। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, यू रिकॉग्नाइज इट, यू डोंट रिकॉग्नाइज इट, बट इट विल ऑलवेज कम बैक टू हिम। अंडरस्टूड? सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है। इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन क्या है, जो रेन से वो बात कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन है, रेन को बोल रहे तू कौन है, और उसका देखो उसके बात का मजा कर रही है, आंसर भी कर रही है। अच्छा, और फिर देखो उनका क्लेवरनेस देखो, वो बोल रही है मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, तुझे थोड़ा समझ में आएगा, छप 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 पानी टप टप टप, तुझे थोड़ा समझ आएगा, पर मुझे समझ में आ रहा है, मैं पोएट हूँ ना, मैं रेन से बात कर सकता, तू नहीं कर सकता, तो मैं तेरे लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। है कि नहीं? सोचो, मैंने दादागिरी एटीट्यूड देखा, तुझे समझ में आया भाई साहब, मैं समझा रहा हूँ तुझे, है ना, मैं तेरे लिए ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। और लिखा भी उन्होंने यहाँ पर ना, उन्होंने लिखा भी है यहाँ पर, क्या लिखा उन्होंने यहाँ पर, एज यू आर ट्रांसलेटेड, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड बॉस, आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू, अंडरस्टूड, एटीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर देखो पसानी, हाँ दीपशिखा बोलो,
अच्छा सर, इधर जैसे पोएट बोले हैं कि हम भाई अपना काम करेंगे, कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे हम लोग को भी मतलब अपने एम में डटे रहना चाहिए और अपना काम कर जाना चाहिए ना। ये तो मैं तुम लोग को हमेशा ही बोलता हूँ, ठीक है, आदमी सक्सेसफुल तभी होता है जब उसको अपने काम में मजा आए, ठीक है ना। और दूसरा बात, वो किसी का तारीफ का वेट नहीं करे, है ना। ये तो मैं सबको सिखाता हूँ, है कि नहीं, कि तुमको अपना छोटा से छोटा सक्सेस को भी इंजॉय करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम लोग को एक पोएम पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। कोई तारीफ करे नहीं करे, तुम देखो मेरा कितना सारा वीडियो जिसमें 100 व्यूज है, 150 व्यूज है, 200 व्यूज है। नॉर्मल आदमी को मैं वेट ही नहीं करता। मैंने जब पढ़ाया ना, बड़ा दिल से पढ़ाया। तुम देखो ये सीबीएसई का पोएम है, हम लोग के पास बेसिक सीबीएसई के बच्चे नहीं है, हो सकता है ये पोएम में 200-250 व्यूज आएगा, पर हम लोग को मजा आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. मेरे को तो बड़ा मजा आया, गाना भी गाया मैंने अच्छे से। अब कोई क्या करता है उससे मुझे क्या मतलब है ना। 250 बच्चे में से मेरे को ये पता है कि जो भी बच्चा इसको पूरा देखेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा ये पोएम। तो यही अपना काम, बाकी जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. और बाकी sir, मतलब ना मुझे बोलो जो लगता है हम ना बोल के आएंगे, कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये गलत बात है। ये तुम अलग ही एंगल ले गई। हम कुछ भी बोलेंगे इसका राइट तुम्हारे पास में नहीं है, क्या समझी बात को? हाँ। अगर तुम्हारी बात से किसी को तकलीफ होता है तो वो बोलने का जरूरत क्या है? तुम दो अलग अलग चीज को कंपेयर कर रहे हो। तुम्हारा जो मन में आएगा वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा मन करेगा रस्ते में नाचे, अच्छा लगेगा क्या? तुमको खुशी हो रहा है रस्ते में नाचेंगे, ऐसा थोड़ी ना बात है। हर चीज का एक लॉजिक होता है। अभी तुम चाहिए, मेरा जो काम है पढ़ना, मेरा काम है ड्रॉइंग करना, मेरा काम है गाना गाना, हम अच्छा गा रहे अपने लिए गा रहे, आपको नहीं पसंद, आई एम नॉट वेटिंग फॉर योर एप्रिसिएशन। बट आप हमेशा याद रखो, आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। मेरे इस वीडियो से किसी को तकलीफ हो रहा है क्या? तुमको नहीं देखना मत देखो ना। हम किसी के घर पे जाकर फेंक के थोड़ा मार रहे कि नहीं देखना होगा। नहीं सर, आपको तुम अपने काम को एंजॉय करो, लेकिन अगर तुम्हारे काम से किसी को तकलीफ हो रहा है तो यू कांट डू दैट, अंडरस्टूड? डोंट गो इन डिफरेंट प्लैनेट। तुम पूरा रास्ता ही चेंज कर दी। वाह बेटा वाह, सर के नाम पे अपना बिल फाड़ रही। चलो, मेटाफर तुम लोग को पता है, कंपैरिजन है, ठीक है। तो यहाँ पर एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। आई एम द पोएम ऑफ द ईयर, रेन इज बीइंग कंपेयर्ड, ठीक है। रेन यहाँ पर किसको कंपेयर किया टू द, नॉट द पोएम, टू अ पोएट, ठीक है। पोएट से कंपेयर किया जा रहा है रेन को, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है रेन से, ठीक है। हाइपरबोले मतलब होता है एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, ठीक है। जब हम कोई चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एक तो यूज किया हुआ है बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी को इमेजिन कर सकता है तुम लोग? बॉटमलेस वन इतना गहरा है कि उसका बॉटम है ही नहीं। अरे कहीं ना कहीं तो होगा, ये अर्थ के अंदर ही तो है ना, तो बॉटमलेस कैसे होगा? लेकिन बॉटमलेस एक एग्जैजरेशन है, ठीक है। उसके बाद इमेजरी तो तुमको पता ही है, यहाँ पर बहुत सारा विजुअल डिस्क्रिप्शन है, जैसे सॉफ्ट फॉलिंग शावर उन्होंने बोला है यहाँ पर, है ना, माने पानी आराम आराम से गिर रहा, आप इमेजिन करो आंखों पे टप 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 टप, है कि नहीं? नंदा एक बार मैं स्कूल में था, एक बच्चा मेरे को बोला, सर भैया भैया मैं आपको, बच्चा नहीं था मुझसे एक साल छोटा था, बोला भैया मैं आपको शेर सुनाऊं। मैं बोला सुनाओ। बोलता है दो बूंद पानी टप टप, ये शेर था बताइए। लेकिन बच्चा लोग भी कम नहीं है, उसके बगल में एक और बैठा था, वो बोलता भैया ढाई बूंद पानी। बोला कैसे? बोलता टप टप ट। एक से एक है, ठीक है। चलो, सो दिस इज द पोएम फॉर यू, द वॉइस ऑफ द रेन। आई विल गिव यू द नोट्स, नोट्स पढ़ लेना। मजा आया देव? यस सर। और प्लीज यार, तुम लोग मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 7 का जो हमने शूट किया, सक में ना पूरी क्लास ने, इस सीजन का। yes, तो तुम लोग सब लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करना अपने क्लास के ग्रुप में, सबको बताना, ठीक है, और गाना भी गाना। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू सर। कि मर के किसी को याद आएगी। चलो बाय।